जो गीत मैं गाने जा रहा हूं तमाम कांड आप सुनते होंगे। 1445 में घटना घटी, आज भी वो घटना ये बिरहा हो, आज भी जिंदी लाश। अरे 1400 सदी, 14वीं सदी, ये 20वीं सदी चल रही है, लगभग 600 वर्ष की घटना है। अरे भैया 14वीं सदी में घटना घटी है, वो घटना आज भी है इसी भारत में। कहाँ है? भूमिका के अंदर कोई भाव लिखे। मुक्ति का पथ प्रदर्शित किया सख सजो, भक्ति का जग में माहिर नजारा अभी। मुखालिस मुहम्मद का मक्का मदीना, जो सिजदा का कायम नजारा अभी। जग में लाश कैलाश पे ना सलीम, मर के रावण पर आप शंभु प्यारा अभी। क्रोध नजरे बनी लाश गोवा में है, जे भी अरसन तईसा का प्यारा अभी। एक संत की घटना है, संत जेवियर ईसा का प्रचार करने वाला, आज भी जिनकी लाश गोवा में है। अभी मैं महाशिवरात का कार्यक्रम गोवा में करने गया था, मुझे देखने का मौका मिला, चर्च में जाने का मौका मिला। बीच से पहले ही चर्च है बस स्टॉप के पास, वो चर्च में 7 फुट की लाश रखी गई थी, आज वो 3 फुट की हो गई है। जो ही उसका परीक्षण होता है वहां से ब्लड निकलता है, वैज्ञानिक से परेशान है कि है क्या, मरकर भी लाश जीवित है, खून निकल रहा है, ताजा लाश है। तो कवि जी भाव लिख लें गजल के अंदर क्या है। बारे मास्टरी है गीत बजावत हूं। सायराना भी है जिंदगी आफजा, आप ही जिंदगी का मजा लीजिए। अच्छी लाइन कवि जी बिरहा में लिखलन। 4 सदियां गुजर गई मेरे दोस्त, रोम का संत भारत में आया रहा। माया जहां का बैरागी बना, नेहाई सास अपनियों लगाया रहा। चार सदियां गुजर गई मेरे दोस्तों, रोम का संत भारत में आया रहा। ये जैसे नजब के अंदर कोई जी भाव लिखलन, का लिखलन, जन्म स्पेन में ईसाई घर पाए थे, झूठ ना ईसा से बचपन में लौ लगाए थे। टली ना भावना मजहब है कही तिजारत में, ठीक सन 1455 में आया भारत में।
तमन्ना दिल की अपने गोवा में साकार किया, तमन्ना दिल की अपने गोवा में साकार किया, ईसाई धर्म का तो अपने वह प्रचार किया, किए सम्मान को तो हिंद में रहने वाले, किए शिकार को तो स्रोत में बहने वाले। एक संत जिसका नाम संत जेवियर, वो रोम का रहने वाला था, बचपन से ईसा पे नेह लगाया था, पूरे विश्व में घूमते 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 वह भारत में 1455 में आ गया। 1455 में अपने ईसाई धर्म का प्रचार करते करते जो ही भारत में आया, भारत के लोग संत जेवियर से आकर्षित होकर प्रभावित होकर के बड़ा ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे। घूमते घूमते लास्ट में पुर्तगालियों का शासन था गोवा में, जो कि आजादी के बाद पुर्तगाली देश को आजाद किए गोवा को। जब गोवा में वह संत पहुंचता है तो गोवा में उसके साथ एक घटना घटी। क्या घटना घटी कौंतर्ज मास्टर? यह तर्ज किया चरा में दागी लागी लागी कौनो लांछना, जिन जब देशवा कमाए बाद सजना, गोवा से पानी वाली जहाज से चला, नौका से कहां पहुंच गया? अरे भारत के छोड़ गई ले चीन की नगारिया, अरे जाता जाता घर ले मौत के बदरिया, संत जेवियर ईसा का प्रचार करते हुए चीन में पहुंचा। चीन में कुछ ही प्रचार किया था, ऑटोमेटिक उसकी मृत्यु हो जाती है। वहां के जितने भक्तगण उसको देख रहे हैं, लेकिन एक घटना उसके साथ घटी। क्या? प्राण पंछी उड़ गए ना, कट के उड़ल हथवा, पहुंचा स्पेन जब राजा के सतवा, हिलला अंगुरिया पर कहबा शरीरिया, हिलला अंगुरिया पर कहबा शरीरिया, घेरल बजात जात मौत के पदरिया, हाथ इशारा करता है। राजा जी एक सादा कागज और कलम रख देते हैं, वो कटी हुई हाथ कलम को उठा लेती है और लिखत बका लिखले, वहां के पोप राजा जी निरख शंका किए भारी, दिए कागज कलम कर में हकीकत लिख दिया सारी, पोप राजा के सामने कटी हुई हाथ किसकी हाथे पहचान नहीं है, हाथे से कौन पहचान हुई? उ हथवे राजा के सामने लिखत हो तरजा गई, रोटी कपड़ा और मकान के गीत गल, अरे पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद,
अक्सर जो जमाने के हिट रहलीन ये जमाने के तो गीत वहन कि अपने गा के अपने मत सुना तो ठीक हो, लेकिन वह कलम कटी हुई हाथ कलम से लिख रही सादे पन्ने पे पहचान नहीं है, हो सकती है क्या है राजा जी मेरे मरने के बाद, हथवा हिलत हो लिखत हो कि राजा जी मेरे मरने के बाद लाश मेरी मंगवा लेना। राजा कहें कहाँ लाश है पता नहीं है, पूरा दरबार अचंभित हो। अगली लाइन में वो हथवा लिखत हो, चीन से मेरी लाश मंगा के, चीन से मेरी लाश मंगा के मक्का में गड़वा देना, चीन से मेरी लाश वहां चीन में पड़ी है, वहां से मंगवा करके मक्का मदीने में साफ जगह गड़वा देना। इतने ना हथवा एक बात और बतावा था, गुजरे वहां जब दस पता तो कब्र से लाश उठा लेना, गुजरे वहां जब दस पता दस हफ्ता जब बीत जाई मक्का मदीने से लाश खनवा करके फिर उठा लेना, उठवा करके फिर परीक्षण करा लेना क्या आपको मिलेगी। अरे घटती रहेगी लाश हमेशा, देखेंगे दस हफ्ते के बाद वो लाश घटती रहेगी, बेशक अंदाजा लगा लेना। और एक बात और ध्यान से सुनिए, अंतिम लाइन वह लिखता है, बिल्कुल खत्म हो जाने के बाद, बिल्कुल खत्म हो जाने के समय समय पे आप परीक्षण कराते रहिएगा। जिस दिन यह लाश समाप्त हो जाएगी उसी दिन पूरे विश्व का विध्वंस हो जाएगा। कहते हुए हाथ एकदम शांत हो जाती है। राजा पोप चीन से लाश मंगवाते हैं और मक्के में गड़वाते हैं। दस हफ्ते के बाद फिर परीक्षण हुआ तो जितनी बात लिखी थी सब सत्य हुआ। ब्लेड मारा गया, खून निकल रहा है, लाश छोटी होती जा रही है और घबरा गए। तो भाव टेरी के अंदर लिखल गई, क्या लिखल गई, गोवा में त
ताजी लसिया पड़ी सड़ती नहीं निरंतर घटती है अंदाजी, सड़ती नहीं निरंतर घटती है अंदाजी। गोवा में ताजी लसिया पड़ी है आज भी वहां रखा हुआ है। पोप करिश्मा देख अनोखा, पोप करिश्मा देख अनोखा, लिए चीन से लाश मंगा, फौरन किए परीक्षण, फिर मक्का में उसको दिए गड़ा। अरे बीता 70 दिन तो निकाले, लाश वहां से कबर खोदा, संत की रही देखा, पूरे विश्व में हल्ला हो गया, परीक्षण शुरू हो गया। जब जब लाश निकाली जाती थी लगता था दिन पर दिन छोटी होती जा रही है। 7 फुट का लाश गाड़ल हो तो परीक्षण के लिए अंगुरी चीरत हूं सब, तो कौन तर जा गई। तरज है बाप पवला की ना हो लिफाफा सैया आई बाकी ना, पैरन में लिखा तानी साफा सिपाही राजा आई बाकी ना, लेकिन संत जेबियर का परीक्षण शुरू हो गया। जाने माने डॉक्टर वैज्ञानिक वहां पे रोम के पहुंचते और करते क्या है, अरे कट के अंगूरी खलतौने छनवा गुने मनवा में ना, तर चुए लागल खुनवा त देखा गुन मनवा में ना, लसिया सड़ल नहीं सोच अपने मनवा रामा, ईसा पे राजा पोप रखल धियन रामा, इसे तबंद मन जुसा दरमियनवा सोच मनवा में ना, चुआ तात खुनवा त सोच अपने मनवा में ना, सत्रह बार परीक्षण हुआ, 17 बार जब लाश चीरी जाती थी खून तरतर तरतर चूता था, लेकिन लाश छोटी होती जाती थी। पूरे घबराहट होकर क्या संत की वाणी सत्य हो जाएगी, जिस दिन संत की शरीर समाप्त हो जाएगी क्या पूरा विश्व का विध्वंस हो जाएगा। यही पर रिसर्च चलत है, तरह जा गिल मास्टर को दुल्हन अपने दुल्हा का बखान करत है,
सहेली पूछलेस कि ठीक ठाक तुक सुहाग राग बीतल, तू बताओ थका बतौले तरह जा गई। तरजा हो दुल्हन अपने मर्द का बखान कर था कि मऊगा थोड़ो हो सैया धीरे 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 हो सैया धीरे धीरे खटिया सटावे लगल मजा ले बदे हो मजा ले बदे तकिया लगावे लगल इत खाली तरज रल है तो सच चटनी रल है लेकिन कहानी वो जगह पहुंचल लाश फिर से दफन भाई कबरिया में लग जिंदा त कौन तस्वीरिया में दिल में बसा है प्रभु का नगीना धीरे धीरे गुजारा जब पांचवा महीना कई दाई कई दाई में हो खुदाई भाई रात के अजोरिया में सत्रह बार खुदाई भई लेकिन उसी प्रकार की घटना घटती गई। तो कवि जी भाव लिखलन पोप राजा कैलन के बाबूजी उस समय पूरे विश्व में अंग्रेजों का शासन था चाहे भारत हो अफगानिस्तान हो इंग्लैंड सब अंग्रेजों का ही ईसाइयों का प्रचार था। तो किए क्या बाबूजी तरज आ गई यही बात सरज है बाप कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के बात बतियावत थे मरा ड्यूटी बजात हो तो बतावत हो का हमके चाहिए सैया जात बात पुलिस के बहलिया में कुछ हुले ले यहा कुछ हुले ले यहा ललकी रुमालिया में कुछ हुले आज अंतिम बेरी राजा पोप कैलन का राजा लसिया निकाल है कबारिया से जितने भी ईसा को मानने वाले थे सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रोते हैं संत जेबियर के लाश को देख करके कैला अर्पित कैले राजा अपने हसु मन नर नारी पूजे बाबू न कर चरनावा
वही लाश बात गोवा के नगरिया में वही लाश बात गोवा के नगरिया में झर झर आंसू बहावे नजरिया में पंद्रह सौ चौवन में गोवा में एक म्यूजियम बना करके चर्च में वो लाश रख दी गई। आज देश आजाद हुआ, आज बीसवीं सदी आ गई, देश विदेश से लाखों लाख लोग लाश को देखने के लिए आते हैं। मैं भी संयोग था कि मैं भी देखा हूँ। इस समय वह लाश लगभग 3 फुट की हो गई है। मंजूषा में रख करके अचंभित पूरा विश्व है। लाश उसकी 7 फुट से 3 फुट की हो गई है। तो कवि जी पहपट में लिखन का लिखलन अरे पढ़ा अचंभा में सारा जहान वाला सिया गोवा में धीरे धीरे घट संत कटन वाला सिया गोवा में एक अचंभित और हो लाश यहाँ एक ठे हाथ होकर स्पेन में जैसे लाश घटत हो वही मानक में हाथ भी घटत हो। आ जैसे घट लाश ओहर गोवा में गयनवा हो वैसे घट हाथ ओहर स्पेन के दरमियनवा हो। हुआ परीक्षण भारत के दरमियान वाला सिया गोवा में अरे कहां सत कहीं अटकलबा परन वाला सिया गोवा में बार बार परीक्षण हो रहा है। परीक्षण में भारत सरकार हो चाहे विश्व पटल पे जितने वैज्ञानिक हो सारे के सारे लोग अचंभित हैं। इसलिए अचंभित हैं कि स्पेन में हाथ रखी हुई म्यूजियम में लाश गोवा में जो उन्हें मानक में लाश घटत हो वो मानक में स्पेन में हाथ घटत हो। क्या संत की वाणी सत्य होगी? जिस दिन लाश समाप्त होगी पूरे विश्व का विध्वंस हो जाएगा। तो कवि जी आल्हा में लिखलन का लिखलन अरे सड़ नहीं लसिया हो संत जेबियर के बार बार गईली कबरिया हर साल आवाज़ नवंबर का महीना सदी आ गई। नवंबर के महीने में एक महीना के लिए वो गिरजाघर खुलता है। नवंबर से दिसंबर में
लाखों लाख ईसा को मानने वाले लोग वहां पहुंचते हैं, माला फूल चढ़ा करके मन की मनौती मांगते हैं, लगभग पूरा होता है। उसी के ठीक सामने आप जाएंगे, लगभग 20 किलोमीटर दूर पे बीच पड़ता, जहाँ देखल जनाला पूरा भी देश सब उघारा कुल सुतल रहना, वहाँ पप्पू जेबा तो एक चीज है सस्ता, वह दारू 30 रुपया के आधा क्वार्टर, लेकिन बहरे न पीवे बच्ची पिए को तो होटलिए में पिए को वही पी के बा। काजू खरीदे जेबा 400 रुपया किलो, वहाँ की व्यवस्था बहुत है। अंतिम लाइन में लिखल गई, का लिखल गई, मुदल मंजू सामलासिया अरे तनिक ना बिगड़ी, अब ही अचरज वाली लसिया गोवा के नगरी, घटत घटत लास छोटी भाई जस गदेला, बिल्कुल मंज सा खाली होई ते ही बेला, फटी है धरती अंबर अरे करे जा बिहारी, अब ही अचरज वाली लसिया गोवा के नगरी, मालूम होला प्रलय काल वही दिन आई, रमन गुरु बिहारी गए ना सबके चेताई, भविष्यवाणी संत का अरे तारे ना तरी, अब यहाँ चल वाली लसिया गोवा के नगरी, लगता है संत की वाणी सत्य होगी, जिस दिन लाश समाप्त होगी लगता है पूरे विश्व का विध्वंस हो जाएगा। तो कहना बाका है, तो गुरु बिहारी गुरु रमन कवि बेचन हुए अभात, भरत जी भोला विश्वनाथ कहे नारा जिंदा, गोवा में ताजी लसिया पड़ी, श्यामा छोटे लाल तो गाते भे अंदाजी, गोवा में ताजी लसिया